हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक होममेड हेयर ऑयल जो आपके बालों को बनाएगा शाइनी, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फिजीनेस को भी कम करेगा। तो ये एक ऑयल जो है बहुत तरीके से आपके बालों में हेल्प करने वाला है, आपके बालों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। एंड इस ऑयल को बनाना होगा बहुत ही ईजी। कुछ इंग्रेडिएंट्स जो आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे उनसे आप इस हेयर ऑयल को बना सकते हो, और रेगुलर इसे वीक में 3 बार 3 बार यूज़ करने से आप पा सकते हो बहुत सारे अच्छे रिजल्ट अपने बालों में। सो बस, लॉन्ग हेयर हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन इसे मेंटेन करके रखना और अगर आपके छोटे हेयर है तो उन्हें लॉन्ग हेयर करना होता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। ये हेयर ऑयल आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब हेल्प करने वाला है इस चीज़ में। सो आपके बाल अगर लंबे हैं और रफ ड्राई हैं तो उनको सिल्की शाइनी बनाने का भी काम ये करने वाला है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा एंड चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इसी तरह के हेयर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए हमसे सबसे ज़रूरी इन्ग्रीडियंट्स है आज का हमारा, वो है गुड़हल के फूल। तो ये आपको ईजिली अपने आस पास मिल जाएंगे। गाइस, ये फूल बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है, इसी का ऑयल हम बनाने वाले हैं। तो मैंने 4 लगभग गुड़हल के फूल लिए हैं, कुछ पत्तियां लिए हैं, पत्तियां भी गुड़हल के फूल की पत्तियां भी हम इसमें यूज़ करेंगे। गुड़हल की फूल की जो पत्तियां होती हैं मतलब पत्तियां फूल जो होता है ये हमारे बालों को मतलब ये समझिए कि अगर आपका बाल हेयर फॉल इतना हो गया है कि मतलब गंजेपन जैसी प्रॉब्लम है तो ये हेयर रिग्रोथ का भी काम करती हैं। हर बहुत तरीके से हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इसे ऑयल फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं, ये आपके हेयर रिग्रोथ में भी हेल्प करेगा। बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ, ठीक है। जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स आज के इस ऑयल में लगने वाले हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ। जैसे मेथी दाना है, कलौंजी है, और ये है कोकोनट ऑयल, ओके, और ये है ऑलिव ऑयल। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम ये हेयर ऑयल बनाने वाले हैं। तो वीडियो में जैसे भी आप देख रहे हैं उसी तरीके से आपको हेयर ऑयल बनाना है। मैंने गैस पे पैन रख दिया है, जैसे भी थोड़ा गर्म हो गया है मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी, कोकोनट ऑयल। सो कोकोनट मैंने लगभग 100 ml लिया है। तो आपको ना अपने अकॉर्डिंग लेना है कितना ऑयल बनाना है कितना नहीं। मैं हर वीक में बना लेती हूँ, मैं वीक में 3 बार ये ऑयल यूज़ करती हूँ। तो आप इसे मतलब बना के रख लीजिए, वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आप सारे इंग्रेडिएंट्स लीजिए। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा आप इसमें मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 teaspoon मेथी दाना, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 teaspoon कलौंजी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसी तरीके से आपको यूज़ मतलब ऐड करने हैं इसमें, और अच्छे से इन्हें हम होने देंगे, ठीक है। मेथी थोड़ी सी रेड पड़ जाएगी तभी हम इसमें ऐड कर देंगे गुड़हल के फूल, और बाकी कुछ ही थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल, ठीक है। कैस्टर ऑयल जो होता है काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा होता है, तो आप सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ही इसमें ऐड कीजिएगा, ओके। और सारे इंग्रेडिएंट जैसे ही ब्लैक पड़ जाएंगे, जैसे कलौंजी दिख रही है वैसे ही मेथी भी दाना भी दिखने लगेगा, और बाकी के सारे फूल पत्तियाँ सब दिखने लगेंगे, तब आप इस ऑयल को बंद कर दीजिए और थोड़ा सा इसे ठंडा करके छान लीजिए। पूरी तरह से ठंडा मत कीजिए, मैंने ये गलती की, क्योंकि उससे क्या है ना ऑयल बहुत कम दिखने लगा था। तो आप थोड़ा जल्दी ही कर दीजिए, बस थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए फिर आप इसे छान लीजिएगा, ठीक है। अब हम मैंने इसमें ऐड कर दिए गुड़हल के फूल, ठीक है। सो मैं इन जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज़ किए उनके थोड़े बेनिफिट भी आपको बता दें। जैसे गुड़हल का फूल है मैंने आपको बताया, अगर गंजेपन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इसे हल्के में ना लें, अगर आपके आसपास है तो आप इसका अच्छा यूज़ करें। इसका ऑयल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को हेल्दी रखने के लिए, और डैंड्रफ फ्री स्कैल्प के लिए भी, ओके। और जो मैंने इसमें ऐड किया मेथी दाना, तो जो बाल हमारे क्यों झड़ते हैं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है होता है उसकी कमी की वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। और जो मेथी का अर्क होता है उसमें फाइटो एस्ट्रोजन होता है, उसके क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसको बढ़ाता है, और उसकी कमी से बाल झड़ते हैं। उसके बढ़ने से हमारा हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाता है, हमारा हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाता है, बालों की मोटाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, और उसका वेट भी इंक्रीज़ होगा। तो इतने सारे बेनिफिट मेथी से हो रहे हैं, ठीक है।
तो इतने सारे बेनिफिट हैं, आपके जो डैंड्रफ है वो भी क्लियर होगा, अगर फंगस इन्फेक्शन कुछ वगैरह ऐसा है स्कैल्प पर तो वो भी दूर होगा, ठीक है। इतने सारे बेनिफिट है, और जो कलौंजी है वो हमारे बालों की अच्छे से कंडीशनिंग करती है, इसमें कंडीशनिंग गुड़ होते हैं, इससे हमारे बाल टूटते नहीं हैं, ठीक है। इसमें कलौंजी में आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम और फाइबर जैसे न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस चीज़ में, तो ये भी हमारे बालों के जो साइन को बढ़ाता है और बालों के फिजीनेस को भी कम करता है। पॉल्यूशन, स्टाइलिंग प्रो और हीटिंग जैसे ट्रीटमेंट से अगर आपके बाल साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, इन चीज़ों को यूज़ करने से बालों पर साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, तो उसमें भी कलौंजी जो है हमारी हेल्प करती है, ठीक है। तो सारे इन्ग्रीडियंट जो भी हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ऑलिव ऑयल के बारे में भी आप जानते ही होंगे, मतलब वो आपके बालों को काफ़ी हद तक सफ़ेद होने से भी बचाता है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इन सब के, ठीक है। तो एक ऑयल है ओनली ये गाइस, एंड एक ऑयल बहुत तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है आपके बालों में, मतलब एक ऑयल और बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ ये एक ऑयल। तो इसे आप रेगुलर यूज़ ज़रूर कीजिए, पेशेंस रख लीजिए, पेशेंस के साथ कोई भी चीज़ यूज़ कीजिए, रिजल्ट थोड़ी टाइम लगता है मिलने में, बट रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सो गाइज, आई होप आप लोग की वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस ऑयल को कम से कम वीक में 3 टाइम ओवरनाइट यूज़ कीजिए। ओके, तो मैं आपसे मिलती हूँ।